तो हेलो है दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वीडियो पाते रहने का चैनल सब। आज हमें ये टी सीरीज की दोस्तों, ये वी सी डी प्लेयर है, ओल्ड ज़माने में ये बहुत चलती थी, काफ़ी इसकी मांग थी। तो ओल्ड टी सीरीज की वी सी डी का दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग कर दे रहा हूँ। ऐसे वीडियो पाते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं इसके अंदर की पार्ट्स क्या क्या है दोस्तों। आइए, तो ये रहा हमारा डीवीडी, ओल्ड जमाने के वीसीडी। देख सकते हैं इसका रबड़ वगैरह निकला ही हुआ है, मैं इसे खोल बटा दिया हूँ। और यहाँ की चूट देख सकते हैं, इसकी पार्ट्स देखिए दोस्तों। इसे एक ट्रांसफार्मर है। और ये देखिए यहाँ की एक स्विच है दोस्तों, स्विच। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ की एक आईसी है, ये दोस्तों यहाँ की आईसी है, यहाँ की बैटरी है, आईसी है, बैटरी है दोस्तों। मैं आपको अच्छा से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसी कितनी हेवी इसी पावर सप्लाई की गई हुई है दोस्तों। और ये यहाँ की इसकी वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए ये सब गई हुई है। और इसमें पता नहीं ऑडियो इनपुट के लिए है या नहीं, लेकिन ये देखिए, इसके साथ साथ ये दोस्तों एक एम्पलीफायर भी है। इसके साथ साथ दोस्तों ये एक एम्पलीफायर भी काफ़ी अच्छी इसके लेंस है दोस्तों। ये टी सीरीज एक ब्रांड ने ही बनाया है दोस्तों। ये जब रीड करेगी तो काफ़ी अच्छी चलेगी। ये वी सी डी प्लेयर है दोस्तों, ये लेंस है, ये देख सकते हैं इसकी मदरबोर्ड है, पूरा प्रोसेसिंग इसी के अंदर डाल दिया कि कैसे रीड करना है, कैसे चलाना। उसके बाद दोस्तों ये एम्पलीफायर है। और यहाँ देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ आउटपुट मैं आपको दिखा डालूँ थोड़ा सा, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। देख सकते हैं दोस्तों पीछे की तरफ, देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो की निकली हुई है, ये ऑडियो की जो निकली हुई है। और यहाँ पे आप एक्सटर्नल स्पीकर्स आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक मिल जाता है 12 वोल्ट की प्लस, यहाँ देख सकते हैं माइनस, उससे बैटरी पर भी ये वर्क कर सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो गया। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, ये इसकी मैं आपको आगे की साइड से दिखाता हूँ ये क्या है। ये दोस्तों देख सकते हैं एक टी सीरीज की है, टी सीरीज की वी सी डी प्लेयर, टी सीरीज की वी सी डी प्लेयर। यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं प्रीवियस नेक्स्ट के लिए, सर्च के लिए दिया हुआ दोस्तों। वॉल्यूम था मैक्सिमम, मैंने सकते माइक और फोन से दोनों का। यहाँ पर जैक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, दोनों डाल सकते हैं माइक, ये दोनों की मिल गई। और ये इसकी लेंस ड्राइव। और ये इसकी मदरबोर्ड, ये देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड है। और ये इसी पीछे की तरफ की काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसे लाइन देखिए दिखाता हूँ, तो ये ऑन भी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि ऑन नहीं है, मैं इसे ऑन करके पूरा दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बटन देखिए, ये COPL के लिए है, प्ले प्ले और स्टॉप के लिए है, 1 2 3 4। ये सॉन्ग जब ये सिलेक्ट करते हैं, सीडी प्लेयर में ओनली केवल ऑडियो रहता था तब के लिए था। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए बटन्स है दोस्तों, दिए हुए बटन्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, बटन्स दिए हुए हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। देखिए दोस्तों, ये मोटर उसी से जैसे ही मैंने प्लग इन किया दोस्तों, वैसे ही ये मोटर कितनी हेवी तरीके से ऑन हो चुकी है। और आपको मैं इसकी स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसकी स्क्रीन पर अभी आपको कुछ दिख रहा है 00, क्योंकि अभी ये फुल कंडीशन में नहीं है, वर्किंग कंडीशन में, बट फिर भी ये ऑन है। और ये लेंस जैसे ही ऐसे उठती है रबर डालने पर, रुकिए मैं दिखाता हूँ फिर भी करके। यार इसकी यहाँ पर एक होती है वो टूट चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसी कारण ये नहीं उठा पा। और ये जैसे ही ये देखिए नीचे डाउन हो गया, और उसके जैसे सीढ़ी को ऊपर ले लेता, सीढ़ी को ऊपर ले लेता तो काफ़ी बढ़िया ये चला था। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी काफ़ी अपने ज़माने में काफ़ी बढ़िया कॉन्टेक्ट डिवाइस रहते थे, समझे दोस्तों। तो ये इसकी पीछे की प्रोब्स वगैरह है, यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी लाइन ऑन ही है दोस्तों। ये देख सकते हैं इसकी किट कितनी हेवी है, यहाँ पर ये किट देखिए कितनी हेवी है यहाँ पे। और ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।